आप में से कई लोग पॉलिटिकली उतने सक्रिय नहीं होंगे, क्योंकि आपका प्रोफेशन है, आज हमने आपका नुकसान भी कराया है। अभी तक आप बैठे होते तो नुकसान मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो आपका इंतजार करते हुए उनको, तो इस नाते आप जितना देर बैठेंगे कई लोग उसमें चिंतित रहेंगे। तो जैसे आप लोग नए हैं, नया नया आप आ गए तो थोड़ा सा तो सोचेंगे ही, झंडा वंड आपके गले में हमने पटका भी डाल ही दिया है, तो वो जैसे ही ये पटका डलता है ना, अंदर से कुछ होना शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे हम इसको समझने लगते हैं क्या है ये। तो मैं भी थोड़ा नया ही हूं, मैं राजनीति में 2013 में मूलतः आया हूं, फिर सांसद भी बन गया। मैं मूलतः एक गायक हूं, एक्टर हूं, टीवी प्रेजेंटर हूं और एक गांव का व्यक्ति हूं। मेरा गांव है, कल 22 मार्च को बिहार दिवस था, मैं उसी बिहार का एक वासी हूं। मेरी माँ अभी भी गांव में रहती हैं। तो जब हम ये पटका डालते हैं तो थोड़ा सा तो फिर फील होता ही है कि भाई ये डाला है, कुछ लोग थोड़ी देर में निकाल देते हैं कि पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने अभी अपनी यूनिट को बोला है फिल्म बनाने के लिए, हम लोग फिल्म बना रहे हैं, आई डोंट हेट पॉलिटिक्स, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है आई हेट पॉलिटिक्स। बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, कहीं गए मीटिंग में, हम जैसे एज एन एक्टर सेलिब्रिटी कहीं गए तो पहले तो अलग होता था, ओ कम कम आई वांट सेल्फी दिस दैट, अब गए ओ ही इज पॉलिटिशियन। अब ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों में है, तब हम समझते हैं कि हमारा देश क्यों 70 वर्षों में पीछे रह गया, क्योंकि हमने पॉलिटिक्स को हेट किया। एक उस वर्ग ने जिसको हेट नहीं करना चाहिए था, हेट करना चाहिए था पॉलिटिशियन को, लोगों ने हेट करना शुरू किया पॉलिटिक्स को। बिग डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन मे बी करप्ट, पॉलिटिशियन मे बी मिसबिहेविंग पर्सन, मे बी उसका उसमें बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कैसे गलत हो सकती है? पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे है, हम उसी संविधान के दायरे में इस देश में क्या होना चाहिए था, जैसे अभी आपने हमको दिया ना, आपने हमको दिया हेल्थ, हेल्थ एजेंडा, मैं पढ़ रहा था उसको। अब अगर हमको 71 साल की आजादी के बाद भी आज डॉक्टर साहब लोगों को एजेंडा देना पड़ रहा है, तो मैं सोचता हूं कि अब अभी तक इस पे काम नहीं हुआ, इतने लोग बीमार हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आयुष्मान योजना लाना पड़ा। हम लोगों ने एक योजना लाई है, उसको लोग कुछ लोग मोदी केयर बोलते हैं और वैसे उसको आयुष्मान योजना है, जो कि दिल्ली में लागू नहीं की गई है। आयुष्मान योजना क्या है कि वो जो व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें बड़ा खर्चा है, 5 लाख रुपए तक का खर्चा है, तो उसको आपके घर में होगा कोई बीमार तो इलाज कराएगी मोदी सरकार, ये हमने योजना बना दी। अच्छा, योजना कितने लोगों के लिए बनी? 10 करोड़ फैमिली के लिए। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।